أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم well this is me Babar और आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं applications of Pascal's law लेकिन application of Pascal's law में we are going to study about the hydraulic lift लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप लोग word पर गौर करें और जब word पर गौर करेंगे तो इंशाल्लाह जो उसके अंदर जो उसकी definition है उसका मफहूम है आसानी से समझ में आ जाएगा तो वर्ड है हाइड्रोलिक लिफ्ट तो हाइड्रोलिक का जो वर्ड है वो हाइड्रो से निकला है जिसका मतलब है वाटर लिक्विड और फ्लूइड अब हाइड्रोलिक लिफ्ट और लिफ्ट का मतलब है कुछ चीज़ ऊपर उठाना इसका मतलब है अगर हम किसी भी बॉडी को ऊपर उठाएंगे हाइड्रो के जरिए या तो वो लिक्विड होगा या फ्लूइड होगा या कोई हमारे पास अपना कोई भी गैस हो सकती है हमारी ठीक है फ्लूइड में सब आ गए तो ये क्या होता है बेसिकली हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होती है ये यू शक्ल की एक ट्यूब होती है उस पर मुश्तमिल होती है और इसके दो एरिया है जब यू शेप की ट्यूब होगी तो दो क्रॉस सेक्शन एरिया बनेंगे एक स्मॉल वन बनेगा एक लार्ज बनेगा स्मॉल वन पर एक स्मॉल पिस्टन होगा पिस्टन क्या होता है जिसे प्रेशर लगाया जाएगा और लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया में एक लार्ज पिस्टन होता है अब वो क्या करेगा क्योंकि यू शेप ट्यूब है वो फ्लूइड से भरी हुई है अब पिस्टन मूव करेगा तो वहाँ पर लार्ज पिस्टन है तो वो ऊपर की जानी उठेगा उससे एक प्लेट फिक्स होगी सही है तो इसका मतलब है यहाँ से प्रेशर लगाएंगे और लार्ज पिस्टन से बेसिकली ये प्रेशर हमें यानी कि ट्रांसमिट होकर वो जो भी बॉडी रखी होगी उसको उठाएगा सही है तो दिस इज वेरी सिंपल तो इसको डायग्राम से दिखा सकते हैं ना डायग्राम दिखाइए देखिए यू शेप ट्यूब है और प्रेशर यहाँ लगाया गया ये कोई भी फ्लूइड हो सकता है इसने इस पिस्टन को उठाया और ये कोई भी एक बॉडी होगी ऊपर जाके उठ जाएगी सही है सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड दिस इज वेरी सिंपल ठीक है थैंक यू वेरी मच अस्सलाम वालेकुम